आगरा के खैरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं ने जमकर हंगामा मचाया। आशाओं ने बताया कि नर्स व डॉक्टर्स की अवैध वसूली व बाहर से दवाइयों को मंगाने के लिए कहती हैं और हर डिलीवरी केस पर लगभग 1500 से 2000 रुपए की मांग करती हैं। आशाओं ने बताया कि पैसे हर अधिकारी के लिए ऊपर तक जाते हैं। मामले को उप जिला अधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए खैरागढ़ CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। सर बाहर से दवाई मंगाई जाती हैं, ग्लेप्स वगैरह सारी दवाई बाहर से, और डिलीवरी मैडम जो पैसे मांगती हैं, हर चीज़ के दवाइयों के भी मांगती हैं, और वो बोलती हैं कि हमारा नेक बनता है तो नेक दे दो, तो नेक से संतुष्ट नहीं होती हैं, हज़ार हज़ार रुपये मांगती हैं वो। क्या दवाइयाँ बाहर से मंगाई जाती हैं? बाहर से ही मंगाई जाती हैं सारी दवाई। यहाँ और भी है जैसे, हाँ ये बोलते हैं कि हॉस्पिटल में दवाई नहीं है तो बाहर से क्यों दवाई, सारी दवाई हॉस्पिटल में मिलती है, क्यों बाहर से मंगाई जाती है, बोलती हैं यहाँ कोई दवाई नहीं है। ये मामला है कि मतलब जो डिलीवरी कराने आती हैं तो बाहर से दवाइयाँ मंगाती हैं, ग्लिप्स मंगाती हैं, तो हम कहते हैं कि मैम दवाई दे दो, कि जो कहती हैं कि बाहर से ले आओ, यहाँ कोई दवाई नहीं है। अच्छा, पैसे की भी कोई मांग करता है? हाँ पैसे मांगती हैं कि इतने पैसे दो, 1500। मैंने कहा मैडम जी तो गरीब हैं, जे नहीं दे पाएंगे। अरे के हमसे भी तो ऊपर लिए जाते हैं पैसे। कौन कौन लेता है इस पैसे? MOIC लेते हैं, फार्मासिस्ट लेते हैं, स्टाफ नर्स बोलती हैं वो लेते हैं। सारे लोग पैसा लेते हैं, हम क्यों नहीं लेंगे तुमसे पैसा? कौन कहता है इस तरह से? स्टाफ नर्स हैं।